अब अपने वो पार्टी को लज्जित कर रहे हैं, पार्टी पर वो बोझ बन चुके हैं। इनका खाता नहीं खुलने जा रहा है और इनका दोनों जो परिवार के पुत्री हैं उनका भी समापन इसी बार हो जाएगा। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे तो वही हाल में पिता पुत्र, तो एक पप्पू और एक अप्पू। ये पप्पू और अप्पू की जोड़ी विपक्ष की भूमिका को पूरा कर नहीं पा रहे हैं। एक सजायाफ्ता अपराधी जिसको माननीय न्यायालय ने खजाना लूटने का और लुटवाने में सजा दिया है और वो बेलगाम असंसदीय भाषा का प्रयोग कर करके अपने बोली से बिहार को लज्जित किए, अब अपने वो पार्टी को लज्जित कर रहे हैं, पार्टी पर वो बोझ बन चुके हैं। इनका खाता नहीं खुलने जा रहा है और इनका दोनों जो परिवार के पुत्री हैं उनका भी समापन इसी बार हो जाएगा। परिवारवाद की जिम्मेदारी से भी मुक्त हो जाएंगे। हर इस बार पांचों के पांचों थर्ड फेज का अभी तक के सभी सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। ये नर्वस हैं, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे तो वही हाल में पिता पुत्र, दोनों की हाल वही है। अच्छा, ये सैम पित्रोदा कांग्रेस नेता, उन्होंने कहा कि जो उत्तर भारतीय चाइनीज लगते हैं, साउथ के लोग लगते हैं, अफ्रीका जैसे, इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। भारत को कमजोर करने वाला, भारत को जातीय उन्माद में देश के बंटवारा की मानसिकता रखने वाला, ऐसे लोग राष्ट्र के हितैषी नहीं है। और पूरा माँ भारती का संतान, कोई भी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है, सब माँ भारती का संतान है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस की ये मानसिकता जो राष्ट्र को कमजोर करो, राष्ट्र के विरोधियों को संरक्षित करो, असामाजिक ताना बाना और सनातन के संतानों को लड़ाकर राष्ट्र को गुलाम बनाने का जो खेल है, ये सफल नहीं होगा, क्योंकि नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं। और मोदी जी के रहते पूरा भारत ही नहीं, अखंड भारत का भाव इस क्षेत्र में जग रहा है। राहुल गांधी चुप है, क्या समर्थन है क्या राहुल गांधी को इस तरह की बातों का? देखिए, राहुल गांधी जी वो देश के शहजादे हैं, जो उनके आका सब बोलते हैं, स्क्रिप्ट लिखने वाले, कंटेंट लिखने वाले, वो अपनी तो न सोच है न समझ है, जो लोग लिख के देते हैं उसी पर अपना व्याख्यान देते हैं। और वही हाल हमारे बिहार के हैं, ये भी 100 लोगों की एक टीम बनाए हुए हैं, जो जो लिख के देगा, किस स्तर पर बोलें, किसके सामने बोलें, ये प्रधानमंत्री से नीचे ये दोनों बोलते ही नहीं हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री से ऊपर मानते हैं। अरे तेजस्वी यादव जी, आप बहुत विद्वान आदमी हैं, पूरा बिहार जानता है, कभी बिहार के लोगों की भी तो बात करें, सीधे देश की ही बात करेंगे और प्रधानमंत्री के नीचे ये बात ही नहीं करेंगे, और वो तो अंतर्राष्ट्रीय बात करेंगे। तो एक पप्पू और एक अप्पू, ये पप्पू और अप्पू की जोड़ी विपक्ष की भूमिका को पूरा कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक देश को मजाक बनाने में लगे हैं, एक बिहार को मजाक बनाने में लगे हैं। लालू जी के राजनीति गुरु रंजन यादव आज आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। डूबती नाव पर जो भी बैठ रहे हैं वो जल समाधि की ओर बढ़ रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में।
पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।